जब से बिहार में नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ सरकार बनाई, तब से बिहार की सियासत में उबाल आ गया। इस बीच बीजेपी सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव पर कहा कि अगर उन पर शराब पीने का आरोप लग रहा है तो इसकी जांच होनी चाहिए। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति और गर्मा गई। दरअसल हाल ही में आरजेडी के विधान पार्षद रामबली सिंह की सदस्यता रद्द की गई। उनके सदस्यता रद्द होने के कई कारण बताए गए, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा कारण उनका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो है, जिसमें वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव भी शराब पीते हैं। ये वीडियो पिछले साल वायरल हुई जब तेजस्वी डिप्टी सीएम थे, जिसके बाद आरजेडी के ही नेता सुनील कुमार सिंह ने रामबली सिंह की सदस्यता रद्द करने के लिए विधान परिषद के सभापति को आवेदन दिया। इस आवेदन में सुनील कुमार सिंह ने वायरल हो रहे इस वीडियो का भी जिक्र किया। अब इस पूरे मामले पर सुशील मोदी ने तेजस्वी पर हमला बोला, जिसमें उन्होंने कहा, बिहार में जब पूर्ण मद्य निषेध का कानून लागू है तो पिछली सरकार के समय राज्य के तत्कालीन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर शराब पीने का आरोप लगना एक गंभीर मामला है। राज्य सरकार को इसकी विस्तृत जांच करनी चाहिए। सुशील मोदी ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव के पद पर रहते उनकी ही पार्टी के विधान परिषद सदस्य रामबली सिंह ने अगर आरोप लगाए तो उनके पास कुछ प्रमाण होंगे। किसी भी विधान परिषद सदस्यता समाप्त या बहाल करना सभापति का विशेषाधिकार है, लेकिन शराबबंदी कानून तोड़ने के आरोप की जाँच तो सरकार करा सकती है। अब ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी सांसद सुशील मोदी का तेजस्वी पर दिए गए इस बयान को लेकर आरजेडी क्या प्रतिक्रिया देती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।